नमस्कार एंड वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, बिहार एवं भूमि सुधार विभाग में ASO की यहां पर वैकेंसी यहां पर जारी किया जा चुका है। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी दोस्तों यहां पर जो है और भी पदों पर वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। जैसे कि दोस्तों यहां पर क्लर्क की वैकेंसी यहां पर जारी की गई है और अमीन की वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। इस पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहां पर वीडियो बना चुका है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके आपको देख लेना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हम बात करें बिहार ASO की कितनी पोस्ट यहां पर जारी की गई है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल 96 पोस्ट जो है जारी किया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा और इसमें मार्क्स पे ही यहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहां पर कितना परसेंटेज यहां पर रखा गया है, जैसे कि दोस्तों 10th का कितना लेगा, 12th में कितना यहां पर परसेंटेज लिया गया, कितने मार्क्स का यहां पर लिया गया है कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरमीडिएट पे कितना लिया जाएगा, ग्रेजुएशन पे कितना लिया जाएगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, तो अभी दोस्तों इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू नहीं हुआ है और जैसे ही दोस्तों यहां पर आपको चालू होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, उससे पहले दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ लेनी है कि क्या क्या है इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन निकले गवर्नमेंट भर्ती के बारे में जानकारी दी जाती है। और इसका PDF वगैरह प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन और यहाँ पर डेट भी मेंशन किया हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं 20 सितंबर 2022 को इसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है और विज्ञापन संख्या 01/2022 और टोटल पोस्ट यहाँ पर 96 देख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वैकेंसियाँ यहाँ पर जारी किया गया है संविदा पद पर, ये सारी वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें इसके रिगार्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पदों में कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो 15 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 2 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 24 है, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 6 है, वहीं पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें तो 5 वैकेंसी है, अनारक्षित वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 41 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कैंडिडेट के यहाँ पर 3 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, और सभी को जोड़ दिया जाए तो टोटल जो है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 96 पोस्ट जो है जारी किया गया है। ठीक है, एक और चीज़ दोस्तों यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है, तो आप सभी को जरूर यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, फॉर्म भी फिलअप करना चाहिए, हो सकता है दोस्तों आपका इसमें सलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आगे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। उससे पहले दोस्तों यहां पर आप देखेंगे सैलरी वगैरह बता रखा है, इसमें क्या योग्यता वगैरह मांगी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता यहाँ पर बताया हुआ है, सिविल इंजीनियर मांगा गया है दोस्तों इस स्नातक में, मतलब BBTech होना चाहिए इन सिविल इंजीनियर में और 2 साल का यहाँ पर न्यूनतम अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। और ये जो अनुभव है आपका यहाँ पर सरकारी और सरकारी या निबंधित गैर सरकारी यहाँ पर संस्थाओं से होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट भी यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर काउंट किया जाएगा। सैलरी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है 59,000 पर मंथ आपको सैलरी जो है यहाँ पर मिलेगी, जो बहुत ही अच्छी खासी सैलरी जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास जो मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर जो है आपको प्रतिमाह जो है 4,000 रुपये का यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर पैसे जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 12 मंथ तक। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें उम्र सीमा, तो उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम उम्र जो है आपकी 21 वर्ष होना चाहिए, वो भी 1/1/2022 से लेकर 37 वर्ष तक। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1/1/2022 से आपको कैलकुलेट करना है अपने डेट ऑफ बर्थ को। अगर आप 21 वर्ष के हो रहे हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप 37 वर्ष तक हो रहे हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर आप OBC के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, SC के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो 37 वर्ष में दोस्तों आपको अगर SC के कैटेगरी में आते हैं तो 5 साल और ऐड कर लेना है और OBC की कैटेगरी में आते हैं तो इसमें 3 साल का और यहां पर ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इतना यहां पर जो है एज में रिलेशन जो है इन सभी कैटेगरी को यहां पर दिया जाता है। ठीक है, और भी कैटेगरी का यहां पर एज में रिलेशन यहां पर बता रखा है, आपको यहां पर चेक कर लेना है। अब बात करें दोस्तों ये जो वैकेंसी यहाँ पर संविदा पर निकाली गई है कब तक इसका यहाँ पर रखा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च 2000
2024 तक दोस्तों इसके लिए यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर चयनित किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 31 मार्च 2024 के बाद यहाँ पर आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो आगे आपके भी आगे आगे जो आपका कार्यकाल है इसको भी दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास, आप जरूर दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपके पास सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मांग रहा है, जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपके पास है तो आप जरूर यहां पर फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो है चयन प्रक्रिया, मेन मुद्दा यही है, चयन प्रक्रिया की यहां पर देख लीजिएगा। एग्जाम तो है नहीं, तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा चयन प्रक्रिया इसका कैसे लिया जाएगा। अगर आपने मैट्रिक, इंटर, स्नातक या स्नातकोत्तर प्राप्त किया है तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने मैट्रिक अगर यहाँ पर पास किए हैं तो उसको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जितने भी नंबर आए हैं फिर आपको डिवाइडेड बाय 100 किया जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर बता रखा है, उसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर इंटर की बात करें तो इंटर का यहाँ पर 15 मार्क्स का यहाँ पर जो है लिया जाएगा वेटेज, और स्नातक का यहाँ पर स्नातक का यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 लिया जाएगा, और स्नातकोत्तर का यहाँ पर देख सकते हैं 5 अंक यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, देखिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके मैट्रिक में आए हैं 80%, ठीक है, और इंटर में आए हैं 70%, स्नातक में आए हैं 60% और स्नातकोत्तर में आए हैं 50%। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या किया जा रहा है। अगर मैट्रिक की बात करें तो मैट्रिक में वेटेज कैसे निकाला जाएगा, मान लीजिए आपके मैट्रिक में कितने नंबर आए 80 नंबर, और जो मैट्रिक में है इसका वेटेज कितना रखा है 10 अंक का, तो 80 × 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो 8 अंक यहाँ पर आपका यहाँ पर निकल गया, ठीक है, वेटेज। इसके अलावा इंटर का भी ऐसे ही निकालेंगे, 70 नंबर आए आपके इंटर में और 15 मार्क्स जो है यहाँ पर वेटेज का रखा गया है, और डिवाइडेड बाय 100 कर देना, तो 10.5 अंक इसमें प्राप्त हो गए। स्नातकोत्तर में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर जो है 60 अंक प्राप्त किया और 50 अंक का वेटेज से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है, तो 30 अंक यहाँ से प्राप्त हो गए। और स्नातकोत्तर में मान लीजिए आपके यहाँ पर जो है 50 अंक प्राप्त किए, 5 अंक से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, इसका वेटेज रखा गया है 5 अंक का, और डिवाइडेड बाय 100 करना, तो 2.5 अंक यहाँ से प्राप्त हो गए। और यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए आपने 2 वर्ष का यहाँ पर कार्य का अनुभव आपके पास है, तो 1 साल का यहाँ पर जो है आपको 5 मार्क्स मिलेगा, और 2 साल का यहाँ पर कितना हो गया 10 मार्क्स यहाँ पर रखा गया, तो ये भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा। सभी को ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 61 मार्क्स यहाँ पर आपके बनते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका जो भी परसेंटेज वगैरह आया होगा उसी के आधार पर यहाँ पर जो वेटेज वगैरह जो है ये तैयार किया जाएगा, मेघा सूची यहाँ पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। और जिनका दोस्तों सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे उन्हीं को दोस्तों यहाँ पर सलेक्शन होने का चांस जो है यहाँ पर बढ़ सकता है, ठीक है। तो आप सभी को जरूर यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, अगर आपके कम परसेंटेज है तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए। देखिए अभी जो फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, देखिए फॉर्म जो है कब से स्टार्ट यहाँ पर किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आप यहाँ पर इस वेबसाइट lrcbih.nic.in पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी वेबसाइट के माध्यम से भी यहाँ पर आवेदन वगैरह यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको बताया गया है, इसको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ लेना है। मैंने दोस्तों यहाँ पर बेसिक जानकारी जो है आपके साथ यहाँ पर साझा किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, कोई भी सूचना आती है, तो आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से भी अपडेट करा दिया जाएगा। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन निकली गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही जानकारी दी जाती है।